रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा सा। शुक्रवार को खरगोन जिले के बरुड़ छात्रावास की छात्राओं ने छात्रावास प्रबंधन पर शासन से मिलने वाली सुविधाएं नहीं देने की शिकायत अपर कलेक्टर से की है। कलेक्टर कार्यालय पहुंची छात्राओं ने समय पर भोजन नाश्ता नहीं दिए जाने के साथ ही मेन्यू में मनमाना बदलाव किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। छात्राओं ने बताया कि छात्रावास में साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जाता, शिकायत करने पर उल्टा उन्हें ही फटकार लगाई जाती है। छात्राओं ने कलेक्टर से मांग की है कि छात्रावास का निरीक्षण कर वहाँ से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ छात्र छात्राओं को दिलाया जाए। हमारी हॉस्टल में साफ सफाई नहीं होती है और फिर सावन की बात करने जाते तो मैम बोलते कि क्या मेरे जेब से मैं खिला रही हूँ, सरकार देती नहीं, ऐसी बोलती है मैम। और हम नाश्ता का बोलते तो बोलती कि एक दिन नाश्ता करोगे तो क्या मर जाओगे, ऐसी बोलती। तो हम किसको बोले, तो फिर हम स्कूल में भी बोलते, सबको बोलते, पर वो कोई ध्यान नहीं देता। आज तक हम 3-4 साल हो गए सर, तो उन्होंने है नहीं कोई नहीं करा, आज हमको यहाँ आना पड़ा इसीलिए। और साफ सफाई कभी नहीं होती और बोलते हम कि 5,000 रुपये देना तब मैं हॉस्टल में रखूंगी 8 दिन के अंदर अंदर, ऐसे बोलते। सर हमारे हॉस्टल में तो कुछ सुविधा ही नहीं है, कुछ तो सुविधा करो। कुछ सुविधा नहीं है सर, झाड़ू भी नहीं है, पोछा भी नहीं है और साफ सफाई तो होती नहीं है। और रोज तेल साबुन के पैसे भी नहीं मिलते और तेल साबुन भी नहीं मिलते। 10% राशि 4 साल हो गए सर, हमारी कुछ मांग पूरी नहीं हो रही है। तो कितनी लड़कियां हैं वहां पर? टोटल 23 लड़कियां हैं पर उसमें से भी कम आती है, फिर भी हॉस्टल चला रहे में। कौन है वहां पर अधीक्षक? भारती मंसारे। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।